दिल्ली की आप प्रीति भगवत शरण उपाध्याय डॉक्टर सुधींद्र कुमार भगवत शरण उपाध्याय उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उजियारपुर में उत्पन्न हुए थे। उनकी शिक्षा विधानमुखी थी। संस्कृत हिंदी इतिहास संस्कृत और पुरातत्व उनकी रुचि के विषय थे। वह साहित्य के इतिहास और संस्कृत की ओर आए थे। उनकी रुचि प्राचीन भारत के इतिहास में थी और उसे प्राचीन भारतीय इतिहास की ओर झुकाव हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शोध पत्रिका ने संपादन काल में उनकी खोजी रुचि और अधिक बढ़ी। इतिहास और संस्कृत की खोज प्राचीन खंडहरों और भवनों तथा साहित्य के आधार पर की जाती है। उपाध्याय जी उन प्राचीन धरोहरों के कुछ संग्रहालय में कुछ वर्षों तक अधिकारी रहे। बाद में उनकी बदलती रुचि और खोजी प्रवृत्ति ने कभी उनको पिलानी में प्राध्यापक बनाया तो कभी काशी नगरी के परिगणी सभा के द्वारा तैयार करवाए गए हिंदी विश्वकोश के संपादक मंडल में नियुक्त किए गए तो कभी उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष का पद संभाला। प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के विद्वान होने के नेता उन्होंने भारत सरकार ने यूरोप अमेरिका चीन रूसी आदि देशों में व्याख्या देने के लिए भेजा। उन भसम के दौरान उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर जो व्याख्यान दिए वो उन देशों में जो अनुभव बटोरे उनकी कई संग्रहालयों में पुस्तक किया गया है। उनके व्याख्यान तथा त्यागवृत्तिक निबंध तथा सारणों के रूप में संकलित और प्रकाशित किए गए। उनकी मृत्यु मॉरिस के भारतीय राजदूत के रूप में 12 अगस्त 1882 में हुई। भगवत शरण उपाध्याय की प्रतिष्ठा के आधार ग्रंथ साहित्य की कला शिव साहित्य की रूपरेखा सागर की लहरों पर इतिहास प्राक्सी और कालिदास का भारत इतिहास निबंध बोध वैभव कांद भरी भारतीय कला भारतीय संस्कृति विश्व को एशिया की देन आदि इनकी कुछ रचनाओं के अंग्रेजी अनुवाद भी हुए जैसे इंग्लैंड इन कालिदास बीवेन इन ऋषवेद द इंडियंस वर्ल्ड इन सभी पुस्तकों निबंधों और शरणों में उपाध्याय जी की खोज रुचि तथा नए जानने और बताने का उत्साह जब जहां दिखाई पड़ता है। उपाध्याय जी संस्कृत और हिंदी भाषाओं के अच्छे जानकार थे इसलिए इतिहास और संस्कृति पर लिखी गई पुस्तकों निबंधों और व्याख्यानों में संस्कृति निष्ठा हिंदी का प्रयोग किया गया। विषय के अनुसार भाषा गंभीर या हल्की फुल्की हो गई। साहित्य इतिहास और संस्कृति के विषयों के वह गंभीर जानकार थे और अपनी समर्थक जानकारी को उन्होंने पाठकों को समझ में आने वाली भाषा में प्रस्तुत कर दिया। गंभीर विषय को
गंभीरता से संस्कृत शब्दों को नियुक्त हिंदी भाषा में लिखा, तो हल्के फुल्के विषयों को हल्की फुल्की भाषा में। विद्यापट दिल्ली की बात एक आत्मकथात्मक लेख है जिसमें जैसी दिल्ली अपनी कहानी अपने आप सुन रही है। इसमें दिल्ली का इतिहास वर्तमान में घटी घटनाओं का लेखा झोंका बहुत अपेक्ष में पुस्तक किया गया है, बल्कि जो कहना है कि दिल्ली में प्राचीन काल में लेखक आधुनिक काल तक ऐतिहासिक दृष्टि से जो हलटफेर और उतार चढ़ाव हुए उन सब भीड़ों दिखाया है जो इस प्रकार है। दिल्ली एक ऐसा नगर है जिसमें इतिहास की दृष्टि से बहुत सारे बदलाव देखे हैं। पहले इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ था। महाभारत के नायक पांडव के शासन थे। भारत में पांडव वंश हस्तिनापुर होता हुआ कौरववंशी में जा बसा, तब यह नाम फिर घिसकर आज इंद्रप्रस्थ कहलाता है। आज का पुराना किला इंद्रप्रस्थ की जमीन पर खड़ा हुआ है। बाद में यहाँ राजपूतों का शासन हुआ। प्रतिहाल, गहंडवाल और तोमर राजपूतों ने आज की कुतुब मीनार बनाने क्षेत्र में अपने महल और मंदिर बनवाने थे, जिसमें उस समय का यह लोहा का कस्बा आज भी खड़ा है जिसे राजपूतों को हराने मारने के बाद उखाड़ने की कोशिश की गई थी। तभी यह कहावत चल पड़ी, दिल्ली की दिल्ली कील हो गई। दिल्ली को भारत की देहाती प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस प्रवेश द्वार ने अनेक बाहरी आक्रमणी आए और लूट मार करके चले गए तथा कुछ यहीं बस गए। बाहर से आने वालों में एक गया गुस्ती तुल्लक था। उसने मार कर उसके बेटे मोहम्मद तुल्लक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली का तुल्लक का बाद उनके लोगों का बसाया हुआ है। मोहम्मद तुल्लक उसकी सहजा था। उसने अपनी सेना को कभी उत्तर में चीन को जीतने के लिए भेजा तो कभी दक्षिण में देवनगरी को दौलतमंद नाम देकर अपनी राजधानी दिल्ली से दौलतबाद ले गया। फिर अपनी सेना का प्रजा को लेकर दिल्ली लौटाया। इस भेजने जाने आने में लाखों लोग मारे गए। इसके बाद फिरोज शाह तुल्लक ने अपने नाम से फिरोजाबाद बसाया जिसके खंडहर फिरोज शाह कोटला नाम से दिल्ली गेट के सामने से लेकर चिड़ियाघर तक फैला हुआ है। दिल्ली को जीने वालों में लोधी और मुगलों ने इस देश के इतिहास को सबसे अधिक प्रभावित किया। बाबर अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ आया और उसने पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली के आगे आगरा का कब्जा कर लिया। आगरा से आगे सिकरी के मैदान में दिल्ली के शासन बाबर ने चित्तौड़ के शासन राणा सांगा के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसने घायल होकर राणा सांगा मारा गया। उसी सिकरी ने अकबर ने फैहतपुर बसाया जिसने आज भी फैहतपुर सिकरी कहा जाता है। बाबर का पुत्र हुमायूं था जो शहंशाह सूरी के द्वारा इधर से उधर भागा गया है। हुमायूं की मृत्यु पुराने किले के मीनार की सीढ़ी पर फिसल कर हुई थी। इसका सम्राट दिल्ली में अकबर
ने बनाया। हुमायूं का परिवार सुरक्षा के लिए पंजाब की ओर चला गया। रास्ते में बाबर का जन्म हुआ, जिसने 13 वर्ष की आयु में दिल्ली का बादशाह बनाया गया। अब तक जिन्हें भी बाहर से आने वाले आक्रमणी यहाँ के शासन बने थे, उन्होंने इस देश के हित में कुछ भी नहीं किया। यहाँ की जमीन पर जन्मे अकबर ने इस देश में शांति स्थापित की तथा जनता के हित में अनेक काम किए। अकबर ने हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाने के अनेक प्रयास किए, जिनके शासनकाल में साहित्य, संस्कृत और तभी भाषाओं का खूब विकास हुआ। अकबर ने आगरा को राजधानी बनाया और उसके पुत्रों ने, जहांगीर ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। उसका पुत्र शाहजहां आगरा से राजधानी लाया, लेकिन उसके आगे की पीढ़ी ने दिल्ली को बहुत दुर्दशा की ओर करवाई। मोहम्मद शाह के समय में अफगान गडरिया नदी शाह मराकाट और लूटपाट करता हुआ दिल्ली दिल्ली में लखले आम करवाया और मुगल को तख्त तहुस मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा और ढांगों खजाने तथा गुलामों के साथ लौट गया। फिर मराठों को जाटों ने दिल्ली को लूटा। रही सही कसर अहमद शाह अब्दुनी ने दिल्ली मथुरा वृंदावन को लूट कर तथा हत्या करके पूरी कर दी। मुगल के बाद अंग्रेज दिल्ली पर शासन करने आ गए। 1857 में दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह द्वितीय का वंश का नाश कर अंग्रेजों ने बादशाह को देश निकाला दे दिया। अपनी राजधानी कोलकाता अब कोलकाता से दिल्ली लाए। 1911 में जॉर्ज पंच ने नई दिल्ली की नींव रखी। पुरानी दिल्ली शाहजहानाबाद के उत्तर में, लेकिन उसका निर्माण हुआ उसके दक्षिण में। 1947 में देश स्वतंत्रता और उसके टुकड़े हुए, जिसका एक भाग निकालकर पाकिस्तान बनाया गया। तब दिल्ली से मुसलमान पाकिस्तान को हिंदू मार काट बचकर सीमा पार गए और आए। इस दर्दनाक वर्तमान के कारण यह देश जितना गहरा था उसे भी बढ़कर उसी तह तब निकली जब नाथूराम गोडजिले ने दिल्ली के देश के स्वाधीन नेता हिंसक सेनापति महात्मा गांधी की हत्या कर दी। समीन शाह दिल्ली की कहानी एक ऐतिहासिक निबंध है। दिल्ली की विशेषता होती है कि उसमें जिस विषय की चर्चा की जाती है उसी को आदि के अंत तक जारी रखा जाता है। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह से बोध हुआ, गुथा हुआ, कसा हुआ। इस निबंध में दिल्ली के इतिहास को बहुत ही अपेक्षा में क्रमवार प्रस्तुत किया गया है। दिल्ली में कब बसी, कहां कहां बसी, किसने बसाई, किसने किस नाम से बसाई, यहाँ के शासन कैसे थे, उसका शासनकाल कैसा था, उनका चरित्र व्यवहार कैसा था, इन सब विषयों पर इतिहास लेखकों ने उनके मोटे मोटे पोथे लेख भाषाओं में लिखी है। लेकिन निबंध लेख भगवत शरण उपाध्याय ने इस सब को इन निबंध के सीमांत आकार में इतना अधिक समेट लिया कि पाठ चिकरा जाता है कि अनेक शासन वंशों दिल्ली के नामों के जेल में सुलझ जाता है। वह समझ नहीं पाता कि जिन जातियों, शासकों और नामों की चर्चा इस निबंध में की जा रही है वह कौन सी है, वह कौन है, उनका शासन क्षेत्र कहां से कहां तक
और कब से कब तक अलग अलग दिल्लियों के बसने उजड़ने की जो कहानी जा रही है वह कहाँ से कहाँ तक कब से कब तक किस प्रकार विषय की दृष्टि से यह निबंध गगन में सागर है। ढाई पक्षों के निबंध पृष्ठों के इस निबंध में महाभारत पांडव के रूप में उपस्थिति राजपूत काल प्रतिहाल खंडवाल तोमर और चौहान के रूप में सलत काल पाट तुलक खिजली तुलक सूर और लोधी के रूप में मुगल काल बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर राणा सुंगा राणा कुंभा राणा सुंगा नदिया शाह अब्दाली के रूप में अंग्रेज काल जॉर्ज पंचम ईस्ट इंडिया 1957 में एडमिट और नई दिल्ली स्वानीता काल भारत विभाजन और महात्मा गांधी की हत्या के रूप स्थित है। निबंध लेख ने दिल्ली की कहानी बड़ी सरसाही तौर पर लिखी है। केवल हमलावरों शासकों और उनकी कारगुजरियों का वर्णन ऐसा किया जैसे कि राह चलते कोई पेड़ पत्ते छूता चले। दिल्ली में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिनकी चर्चा करने से लेखक चूक गया, जैसे शाहजहाँ के द्वारा लाल किला और जामा मस्जिद बनवाया, शाहजहाँबाद औरंगजेब करनामे तथा अंग्रेज के अत्याचार आदि। दिल्ली ने उन घटनाओं को भी तो दिल थाम कर और आंसू बहा कर देखा। दिल्ली की आप बाती आप बीती आत्मकथा शैली में लिखित आत्मकथा की शैली में मैं का प्रयोग किया जाता है और पूरा निबंध आंखों देखा जैसा होता है। लेखक ने दिल्ली की जुबानी में दिल्ली हो कहलवाया कर पूरा निबंध इस तरह लिखा है कि जैसे दिल्ली ने अपनी आंखों से जो जैसा देखा था वह वैसा बता दिया। दिल्ली में एक के बाद हमलावर और लुटेरे शासक और हत्यारे आए गए तथा दिल्ली को दुख देकर मरकप गए कि उन सब के बारे में हमें बताते हुए उनके आंसू थम नहीं रहे कि हिचकिया रुक नहीं रही और उनका धैर्य जब दे रहा है, इसलिए वे अपनी यादों को बहुत थोड़े शब्दों में अपेक्ष में हमें सुनाकर हृदय हल्का करना चाहते हैं। यह निबंध भावनात्मक है। यह बुद्धिजीवियों और चिंतन सामग्री देने के लिए नहीं लिखा गया। इसे दिल्ली के हृदय की वेदना और दिल्ली की दुर्दशा और दुखद घटनाओं का वर्णन है। सुल्तानों और की राख मेरे तन में रमी है, उन नज़रों को देखती है जिसमें रोए इकाई का खड़े हो जाते हैं, खुशी से भी डर से भी। मराठों की चोट में अभी भूली नहीं थी कि अब्वाली आया और मुझे जख्मी कर गया। मेरी हवा में इतनी आह कभी ना उठी थी, मेरी जुबान आंसू से कितनी गीली कभी ना हुई थी जितनी अब हुई है। इस तरह के वाक्यों से दिल्ली के बहाने लेख के भावुक समझने आए। दिल्ली में आने वाले हमलावरों होने वाली घटनाओं अच्छी बुरी बातों में निजी अनुभूतियों को मिलकर अपने विचार प्रस्तुत किए। आवश्यक नात्मक निबंध की यह है आयुक्त शैली। इसमें सामान्य जन को दिल्ली के भाषा में लिखी के बारे में बताने का प्रयास किया गया है।
इस निबंध की भाषा आम जनता की है। आम जनता दिल्ली की जिस भाषा में बातचीत करती है, ख़ास तौर से पुरानी दिल्ली के वासी हिंदू उर्दू आपस से जिस भाषा बातचीत करते हैं, उसी भाषा में ये निबंध लिखा गया है। प्राचीन काल से आज दो धर्मों, दो संस्कृतों, भाषा, दो प्रकार के शासक के मिलजुल से दिल्ली की भाषा ही संस्कृत बनी है। उसी भाषा में दिल्ली की आप बीती लिखना निबंधकार भागवत सारण उपाध्याय की दुर्दशा और भाषा प्रयोग की सफलता कही आ जाएगी। इस निबंध का कोई भी वाक्य उठा लिया वे फरसियत लिखे हुए हैं। उर्दू, बोहल, हिंदी में इस निबंध को लिखकर पाठ को दिल्ली की भाषाई संस्कृत से अच्छी तरह परिचित कराया गया। उर्दू बहुल शब्दवाली में दिल्ली की ऐतिहासिक संस्कृत को बखूबी बनाया बाया गया गया है। कहीं किताब से तब्द शब्द जुड़कर इस निबंध की उर्दू बहुल भाषा की चमक पैदा की गई, जैसे पहले के अनुच्छेद में देखिए। मैं दिल्ली हूँ, सुल्तानों की राख मेरे तन में रमी है, जुल्मा के तीर खड़ी खड़ी मेरे अंगहाई ली है, चक उठक गए है, जमाने की टकरावत ली है। इन दो शब्दों में जैसे कवि की गई उर्दू कविता अपनी लक्षिता के चरण लोकप्रिय हुई, इस निबंध की भाषा में उसी उर्दू कविता लक्षिता है, रमानी है, जुबान तीर खड़ी खड़ी जब मैंने खंडलाई ली, मेरे ही द्वार पर जब कभी मैं अपने नए निर्माता गया सुधीर के स्वागत के लिए, किवाड़ खोलने खड़ी थी, जैसे वाक्य जहाँ अपनी लक्षिता से प्रभावित करते हैं वहाँ दूसरी ओर भाषा में चेतनात्मक का गुण भी पैदा करते हैं। ऐसी शब्दावली से दिल्ली का एक नारी रूप हमारी आंखों में सामने खड़ा हो जाता है। इस निबंध से दिल्ली की एक ऐसी नारी छवि उभरती है जिसमें जिसके जीवन में अनेक पुरुष आए और चले गए, ऐसा एक वाक्य लेखक ने लिखा भी। जमाने ने टकवाट ली और कितनी ही बार पर मैं ना बदली, गो मुझे भोगने वाले बन गए।